हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अशोक चक्र बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सैयद इरफान और आप देख रहे हैं इरफान कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए और मैं वीडियो शुरू करता हूँ। अशोक चक्र बनाने के लिए हमने कूलर ड्राव को ओपन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, आपको इलिप्स टूल लेना है। इलिप्स टूल लेने के लिए आप केवल F7 भी प्रेस कर सकते हो या फिर आप यहां से भी इलिप्स टूल ले सकते हो। फिर दोस्तों, आपको अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन होल्ड कर एक सर्कल बना लेना है। मैं जल्दी से बना लेता हूँ। सर्कल बनाने के बाद दोस्तों, आपको पिक टूल लेना है और इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। फिर दोस्तों, आपको अपने कीबोर्ड से प्लस बटन दबाना है जिससे इसकी एक कॉपी बन जाएगी। फिर दोस्तों, आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाए रखकर इसे थोड़ा छोटा कर लेना है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से छोटा करने के बाद आपको इसमें ये वाला कलर भरना है। इस पर आप अपने माउस का लेफ्ट और राइट दोनों बटन प्रेस कर दें। इसमें कलर भरने के बाद दोस्तों, आपको बड़े वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और F12 प्रेस करना है और आपको यहाँ से इसके कलर को ये वाला कलर दे देना है और आपको अपने मर्जी से जितने पॉइंट आप रखना चाहते हो उतने पॉइंट यहाँ पर डाल दें। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको पॉलीगन टूल लेना है। पॉलीगन टूल लेने के लिए आप केवल Y भी प्रेस कर सकते हो। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर नंबर 4 वाला डालकर एंटर पर प्रेस कर देना है और आपको इस तरीके से एक लंबा पॉलीगन टूल बनाना है। फिर दोस्तों, आपको शेप टूल लेना है और कंट्रोल क्यू प्रेस करना है और दोस्तों, इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके सबसे पहले डिलीट करना है, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। फिर दोस्तों, आपको पिक टूल लेकर इसमें भी यही वाला कलर होना है। इस पर अपने माउस का लेफ्ट और राइट दोनों बटन प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों, आपको इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको इसे सिलेक्ट करना है और शिफ्ट बटन दबाए कर इसे सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से सी बटन दबाना है और फिर इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एक बार साइड पर क्लिक करना है और इसको फिर क्लिक करना है और इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको इसे सिलेक्ट करना है और इस पर एक और बार क्लिक करना है और इसे यहाँ पर बीच में कुछ इस तरीके से ला लेना है। फिर दोस्तों, हमें इसे 24 बार घुमाना है तो हम Alt प्लस F9 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये खुलकर आ चुका है। अब हम यहाँ रोटेट में जाएंगे और यहाँ एंगल 15 पॉइंट कर देंगे और कॉपीज 24 कर जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो हमारी इस तरीके से इसकी 24 कॉपीज बन जाएंगी। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको एक और इलिप्स टूल लेना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक इलिप्स टूल बना लेना है अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से बना लेना है। फिर दोस्तों, आपको पिक टूल लेकर इस पर यही वाला कलर लेफ्ट और राइट बटन प्रेस कर अपने हिसाब से इसे एडजस्ट यहाँ पर कर लेना है। फिर दोस्तों, इस पर भी एक बार इसी तरीके से क्लिक कर इसे यहाँ पर बीच में ला लेना है और यहाँ पर सीधा आपको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा अशोक चक्र बन चुका है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए और हम सब मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।